नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अभिमन्यु जी, बताइए बताइए सर, सर जो है आपके यहाँ से दवाई चल रही मम्मी पापा की। किस चीज की? सर ये शुगर है और नसों की समस्या है। अच्छा हाँ तो दवाई मतलब ये शुगर इनको जो है बहुत दिनों से था, तो अच्छा बहुत 2 साल से आपका प्रोग्राम देख रहे थे जी। 2 साल से देख रहे हो प्रोग्राम? अरे वाह, बहुत दो अच्छा साल से देख रहे हैं, बहुत और अच्छा। मैं तो नहीं, मेरे पापा मम्मी देखते हैं अच्छा, आप नहीं देखते, चलो ठीक है। जी। मैं भी कहा तो मुझे भी अच्छा लगने लगा है सर, मैं भी देखता हूँ और पूरी अच्छा, फैमिली देखती जब आपका प्रोग्राम चलता अरे है चलो तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी जी। दवाई लेते कितने दिन हो गए? सर आपकी दवाई तो ले रहे हैं हम, आप जो कम से कम 3 महीने हो गए हैं अच्छा 3 ही महीने हुए हैं। दवाई जी, अभी तीन मंगाई महीने है? दवाई इतनी देर में क्यों मंगाई भाई? सर एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा था ना कि दवाई से आराम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अच्छा विश्वास, तीन सर 7-8 साल से उनको शुगर था पापा को, और मम्मी को जो अभी हुआ है कम से कम 3-4 साल हो गए। तो अच्छा जी तो पापा बस एलोपैथ दवाइयाँ खाते थे, वो आप टीवी पे नुस्खा वगैरह बताते थे वही करते रहते थे, है, तो उनको कुछ जो है इफेक्ट पड़ा, अच्छा तो उसके बाद मम्मी भी करने लगी। तो है, उसके बाद एक बार आपके यहाँ फोन मिलाया था तो आपके डॉक्टर हैं और वहाँ डॉक्टरों से बात हुई थी जी, तो उन्होंने हमें गाइड किया, समझाया कि हमारे यहाँ से दवाइयाँ आती हैं। पहले सर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना महंगा दवाई कैसे हम ले। सर कितने की बताई थी? 4650 रुपये का बताया था शुगर का हाँ तो वो तो नस खोलने का पूरा ही कोर्स था ना, 4650 जी का। जी जी सर। हाँ वो तो इतना ही होता है हमारे 40। अच्छा एक बात बताओ, चलो कै बिजनेस से ले रहे हो अब ये बताओ। चलो तो सर महंगा सस्ता है ये एक अलग बात है, 3 महीने हो गए अब सर। कितना फर्क पड़ा या नहीं पड़ा ये बताओ पहले। हाँ सर शुगर में बहुत फर्क पड़ा, पहले इंसुलिन ले रहे थे पापा, और जो कि जी और इंसुलिन लेते लेते उनको जो है 3 साल से इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन अच्छा, अब तो इंसुलिन छूट गई उनकी पापा की जी, पापा की इंसुलिन छूट गई है। इतनी जल्दी क्यों छुड़वा दी भाई? अब कितनी आती है शुगर इनकी? सर आप तो 200-150 के लमसम आता है अच्छा पहले कितनी आती थी? जी, पहले जो था सर जो उनका 300, 350, 250 के करीब हो अच्छा, जाता और क्या था। क्या परेशानी होती थी पापा को? है नसों में समस्या हुई थी, आंखों से जैसे धुंधलापन देखना, नसें भी खोना, जोड़ों में दर्द हो रहा था, भूख नहीं लग रहा था, अच्छा। मतलब जी। हाँ तो इंसुलिन कितनी लेते थे पापा? इंसुलिन जो है पहले 2 बार 3 बार लेते, 80-60 के करीब लेते थे, अस्सी अच्छा अस्सी के करीब, 100 के करीब अच्छा टोटल नहीं तब इतने छोड़ क्यों दी इंसुलिन? इतनी जल्दी क्यों छोड़ छोड़ दी आपने? सर। उनको आराम होने लगा, फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने लगे, वह जो कि उनको बहुत, मैंने 2-3 बार जांच कराया तो हाँ उसके बाद जो है बहुत इफेक्ट पड़ा, तो हमने नहीं, जो इंसुलिन डॉक्टर आपको पता नहीं है, इंसुलिन कितनी लेते थे पहले? सुबह कितनी लेते थे? सुबह कितने यूनिट लेते थे? देखिए साहब पहले जो है 100-80 लेते थे, लेकिन अब तो 60 लेने लगे थे, कम हो गया था धीरे धीरे अच्छा एकदम। मतलब पहले 80 लेते थे फिर 60 करिए। हाँ अच्छा, और अब क्या, अब बिल्कुल ही बंद कर रखी है? बिल्कुल, कभी कभी सर हफ्ते में कभी कभी लेते हैं अच्छा ना ना ऐसे बंद करो बंद भैया इंसुलिन। हमारे डॉक्टर से बात करी थी? जी, बात तो की थी, उन्होंने बताया कि इंसुलिन हम भी लेते रहे ठीक हाँ है, तो सर थोड़ा महंगा पड़ता था, फिर पैसे वाले की भी समस्या होती थी, लेकिन आपकी दवाई से तो आराम है, तो इसलिए थोड़ा हफ्ते नहीं में नहीं करवा भाई, दिया। इंसुलिन बंद मत करो एकदम, मैं इंसुलिन बंद करो मत करो। बट इंसुलिन तो अभी देखो मतलब धीरे धीरे 20 20 पॉइंट कम कर लो। चलो एक महीने में 20 पॉइंट कर लियो तो ठीक है। जी अब 40 तो लेते रहते हैं कम से कम। और नहीं, तो हफ्ते में 40 40 डिजिट, 40 40 30 ऐसे होता है अच्छा लेते हो ना अभी तो? जी, हफ्ते अच्छा हफ्ते में अच्छा हफ्ते हफ्ते में लेते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे लेते रहो, धीरे धीरे छूटेगी। अच्छा ये बताओ पैरों में अब दर्द कितना है? पर मैं सर पहले जो कि ये लहसुन दूध और हल्दी वाला भी आपने बताया था वो ले रहे हैं, और हाँ उसके बाद दवाइयां भी आपके यहाँ से मंगाया था, तो उसमें भी उसके लिए तो अलग से मंगवाया था सर, नसों के लिए और जो है दर्द के लिए अलग से मंगवाया था आपके यहाँ अच्छा से जी। अच्छा तो उसमें सर कितना आराम है अब पैरों में? बहुत आराम है, अब तो चल फिर रहे हैं अच्छा खासा, पहले नसों में अकड़न से हो गए थे, गुच्छे टाइप पड़ रहे थे हाँ और चल फिर नहीं पाते थे उतना अच्छा, नसें रुक गई थी जी। ना देखो। 5 कै साल से ले रहे इंसुलिन? कै साल से ले रहे? 3 साल से या 5 साल से? इंसुलिन तो सर 3 साल से ले हाँ रहे तो थे 3 साल से देखो धीरे धीरे अब 70 80 यूनिट पा गया। अब धीरे धीरे यही जी। तो हालत होती जाती, बुरी हो जाती है। और कितने साल से थी शुगर इनको? इनको सर जो है वैसे तो हमें नहीं पता था, 7-8 साल से था पता, अब 5 साल से लगा है कि अच्छा शुगर अच्छा है हाँ तो शुगर है। और मम्मी को भी शुगर है?
मम्मी को भी शुगर है सर। तो फिर वो दवाई नहीं खा रही हमारी। नहीं वो अभी ऑर्डर दिया है मम्मी के लिए, अभी अच्छा 4650 रुपये का। आपकी दवाइयाँ जो कि बहुत जल्दी भी पहुँच जाती है, हमने अकाउंट में आपके पैसे है? जमा किराए हैं, वो अच्छा जल्दी मिल जाएगा। बात हुई थी आपके यहाँ अच्छा अच्छा नहीं वो तो फिर जल्दी जी, 3-4 दिन में मिल जाता। क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था अगर पापा को आराम होगा फिर मम्मी की मंगाए। उनको हाँ बहुत आराम है, जब इंसुलिन एक हफ्ते में अब लेने लगे हैं तो बहुत आराम है सर। अच्छा, अब शुगर 200 से ऊपर नहीं आती पापा की? नहीं 200 के ऊपर तो नहीं आती है, 150 200 150 200 कभी कम हो जाता है। अब तो चाय भी कभी कभी, आपके डॉक्टर से पूछा था सर कुछ खा पी सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि देखो कुछ भी खाओ, मीठा उठा भी खा सकते हो, चाय हाँ भी पी सकते हो। अच्छा उन्होंने हमें ये समझाया था कि शुगर देखो स्ट्रेस तनाव से भी होता है, सोचने की वजह से भी होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह तो रहे जी, थे। तो अब जो है वो तो हाँ चाय भी पी लेते हैं पापा कभी कभी अच्छा, चलो ठीक है, कभी कभी पी लें, आज रोज ना पिए देखो। जी। अरे ना मीठा डालें तो अभी तो और भी ठीक है, क्योंकि अभी इंसुलिन अभी तो अब देखो तकलीफ है। अरे पैरों में अब सुनपन बिल्कुल गायब हो गया? सुनपन तो अब नहीं रहता, पहले जो अकड़न से रहती थी, दर्द होता था, सुनपन हाँ हो जाता था, चलने चल नहीं पाते थे, तो अब अच्छा तो ठीक है, अब तो चलते फिरते भी है, देखो मतलब अब रोज ये क्यों मॉर्निंग ठीक हुए, इनकी जैसे जैसे नशे खुली ये ठीक होने लग गए। देखो जी अब यही बात जी मैं कह रहा हूँ, इंसुलिन भी कोई पक्का इलाज नहीं होता, यही मैं दुनिया को समझाना चाह रहा हूँ। जब आपकी नशे खुल जाएंगी, पेन क्रिया जब एक्टिव हो जाएगी, तो अपने आप धीरे धीरे इंसुलिन कम हो जाएगी। अब 200 से जी ऊपर सर, शुगर आती ही नहीं देखो। और अंग्रेजी दवाई तो खा रहे होंगे ना? अंग्रेजी दवाई भी खा रहे अंग्रेजी हो? खा रहे हैं सर, हाँ खा अंग्रेजी रहे खा ना? रहे हैं, हाँ तो क्योंकि अभी पहले खा। तो बहुत दवाइयां खानी पड़ती थी, खाली अच्छा पेट ये दवाई खाओ, दोपहर में वो दवाई खाओ, फिर 5 बजे की दवाई खाओ, फिर रात को सोते समय खाओ, हाँ इतनी दवाइयां खाते थे, मेरा देख के तो दिमाग खराब हो जाता था। और पैसे अलग से लगते थे, और नहीं उससे ठीक। क्या जांच कराया तो हाँ किडनी पे अटैक है, तो हार्ट पे दिक्कत हो रही है हाँ नहीं जी देखो ये तो बहुत परेशानी हो जाती, करे तो करे क्या, इसलिए मैं दुनिया को कहता हूँ आयुर्वेद। अच्छा एक बात बताओ, अब महंगा लगता है हमारा कोर्स 4,450 सर। का? महंगा कुछ नहीं लगता, आप तो हमारे गांव के लोग भी, मैं गांव एरिया से बात कर रहा हूँ आजमगढ़ से, तो अच्छा आप तो हमारे गांव के लोग भी बता रहे हैं, और मैं सबको बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने आपके यहाँ ऑर्डर भी किया हुआ है सर, पैसे जमा करा के अकाउंट में, अच्छा मैंने आप लोगों ने बताया कि अगर आप अकाउंट में पैसे जमा कराते हो तो जल्दी दवाई मिलेगी, तो हाँ इसलिए हमारे गाँव के दो तीन कर्जन है, अच्छा नहीं उन्होंने भी पैसे जमा पहले कराया। पहले पहले कितने दिन में दवाई आती थी आपके यहाँ पर? तो सर हफ्ते हफ्ते लग जाते थे आने में, अब तो अच्छा 2 3 दिन में, 3 4 दिन के अंदर आ जाता है अच्छा वो पैसे जमा कराने पर जल्दी आ जाती, गांव में क्या होता है सीओडी नहीं जा पाती ना, इसलिए जी वक्त लग जाता है, फिर डाकखाने से लेकर आनी पड़ती है। जी डाकखाने से लेकर बिल्कुल आते थे? बिल्कुल, डाक खाने वाला खुद आता है हमारे घर लेके जी, अच्छा अब लेकर आने लग गया। क्योंकि वो क्योंकि एक बार आया तो उसको भी नहीं आता था, अब जो है कई लोग मंगाने लगे, अब जो है उसको पता लगा दिल्ली से आ रहा है पार्सल, तो वो खुद आता है हमारे घर लेने, दस अच्छा बीस रुपए उसको दे देते हैं अच्छा अच्छा चलो बढ़िया, ये जी। तो तो ना सही है। देखो अब देखो आप सर मैं यही कहता हूँ दुनिया को, अच्छा नसों का खोलने का कोर्स के बारे में आप क्या कहोगे दुनिया को? मैं सब यही बताऊंगा कि लोगों को आपके थ्रू अपने थ्रू कि ये बहुत ही बढ़िया आपकी दवाई है, और बहुत ही जबरदस्त है जी, बहुत बढ़िया आराम मिला है, और मैं सबको बताऊंगा, मैं तो अपने गांव में सबको बता दिया हूँ, और अपने एरिया में रिलेशन में सबको बता दिया हूँ, आपकी दवाई बहुत ही जबरदस्त है और ये मंगाओ। ना ठीक है, महंगी नहीं कहते गांव वाले? गांव वाले 4,650 नहीं बहुत पहले महंगा। महंगा थी, इतना महंगा है कैसे खाएंगे, बहुत दिक्कत हम किसान लोग हैं, लेकिन अब जो बहुत बढ़िया दवाई अब मंगाते हैं लोग, सब लोग मंगा रहे हैं, विश्वास होना चाहिए सर। देखिए विश्वास हुआ, पापा मम्मी जब ठीक है उनको हाँ देखा, दो लोग और मंगाए उनको भी आराम मिला, अब तो अच्छा बहुत लोग विश्वास करके चलो मंगा रहे बहुत हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।